आज के प्रोजेक्ट में मैं जो है ये पाँच से छः साल के बच्चे के लिए स्लीव्स लेके आई हूँ कि आप कैसे ये जो है स्लीव्स बनाएंगे बिगनर्स के लिए ये बेस्ट वीडियो है वो ईजली जो है देखेंगे कि स्लीव्स कैसे बनाना है इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो हमारी ओसवाल की थ्री प्लाई की वूल आती है वो ली हुई है और मैंने इसे जो है अपनी टेन नंबर की सिलाई से बनाया हुआ है आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप इसे कैसे बनाएंगे उसके बाद कितना इंचेस आपने इसे बनाना है और ये कटिंग कैसे करनी है प्रॉपर शेप कैसे देनी है तो आगे आप पूरा वीडियो देखेगा आगे वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए ये बाजू बनाने के लिए हमने जो है सिलाई में यहाँ पे थर्टी एट स्टिचेस डाले हुए हैं हमने इसमें ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं ये डिज़ाइनर फंदे कैसे डालते हैं ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको आते ना हो अब हमने क्या करना है इसमें हमने बॉर्डर बनाना है बॉर्डर हमने थोड़ा इसमें अलग बनाया हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बॉर्डर जो है हमने तीन तीन फंदे का बनाया है जिसमें हमने क्या करना है यहाँ पर देखिएगा आप पहले तो हमने दो फंदे जो है उल्टे बना देने हैं ये देखिए दो फंदे हम स्टार्टिंग वाले उल्टे बना देंगे इसके बाद धागा पीछे घुमाएंगे एक फंदा सीधा बना देंगे फिर धागा आगे लाएंगे ये हमारे तीन फंदे का डिज़ाइन जो है पड़ गया अब हम दोबारा से दो फंदे अपने उल्टे बना देंगे और धागा पीछे ले जाके एक फंदा सीधा इसी तरीके से ये रो हमने बनानी है जिसमें हमने दो फंदे अपने उल्टे बनाने हैं और एक फंदा सीधा ये जो है हमारी रो फर्स्ट है मैं इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी जिसमें मैं दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बनाऊंगी हमने जो है अपनी रो फर्स्ट कंप्लीट कर दी है जिसमें हमने दो फंदे यहाँ पे उल्टे बनाए फिर एक सीधा दो उल्टे एक सीधा करके हमने बॉडर की रो फर्स्ट दे दी है अब हम अपनी रो सेकंड में जाएंगे जो हमारी इसकी बॉर्डर की रॉन्ग साइड की रो है इसमें हमने क्या करना है जो फंदा हमें जैसा दिखेगा हम उसे वैसा ही बना देंगे जैसे इस साइड से ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं तो यहाँ से हमें ये देखिए ये हमें सीधे दिख रहे हैं तो हम इन्हें सीधा बनाएंगे। अब हमने इसमें चेंज करना है राइट साइड में हमारे दो उल्टे एक सीधा था इसमें हमने दो फंदे सीधे बनाने हैं फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे घुमा के दो फंदे सीधे धागा आगे ला के इस तरीके से एक फंदा उल्टा इसी तरीके से हम अपनी रो सेकंड रॉन्ग साइड कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम जो है दो फंदे अपने सीधे बना देंगे और एक फंदा उल्टा हमने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है बस अब हम यही अपनी रो वन टू को रिपीट करते जाएंगे और अपने बॉर्डर की जो लेंथ है टू इंच तक बना के तैयार कर देंगे बस हमने यही दो रोज हैं जो रिपीट करती जानी है और इसे टू इंच तक बना देंगे अब मैं इसे टू इंच तक बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए हमने अपना बॉर्डर जो है टू इंच का बना दिया है मैं आपको दिखाती हूँ इसका मेज़रमेंट देखिए आप ये टू इंच का बॉर्डर हमने बना के तैयार कर दिया है मैंने आपको बता दिया है ये बॉर्डर हमने जो है कैसे बनाया हुआ है ये जो है डबल साइडेड बॉर्डर है आप चाहें तो इस साइड भी से यूज़ कर सकते हैं और इस साइड भी यूज़ कर सकते हैं बट अभी हम ये वाला साइड इसका यूज़ कर रहे हैं अब हमने क्या करना है हम ये जो बाजू है ये हम पाँच छः साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं यहाँ से हमने जो है थर्टी एट स्टिजेज़ उठाए थे और दो इंच का बॉर्डर अपना बना के तैयार कर दिया है अब हमने इसके जो है फंदे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देना है फंदे कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ बॉर्डर दो इंच का बनाने के बाद हम अपनी जो है राइट साइड की रो में है इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा आप इस तरीके से जो है आपने एक फंदा बना देना है ऐसे इसके बाद आप पीछे से जो है दूसरा फंदा इस तरीके से बना देंगे और इस फंदे को उतार देंगे यहाँ पे आपका एक फंदा बढ़ गया अब जो सेंटर का है आपने सीधे बना देना है मैं आपको यहाँ पे प्लेन ही बताऊँगी कोई भी डिज़ाइन नहीं डालूँगी इसमें ताकि आपको जो है इज़िली समझ में आ जाए डिज़ाइन से थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है बट मैं यहाँ पे आपको सीधा ही बताऊँगी अब मैं ये रो सारी सीधी सीधी बना के कम्प्लीट कर दूँगी एंड तक जब तक मेरे पास एक फंदा ना रह जाएगा देखिए ये रो जो है मैंने सीधी सीधी बना दी है अब मेरे पास यहाँ पे एक फंदा रह गया है ऐसे भी सेम में इस तरीके से एक स्टिच बना दूंगी फिर बैक से इसके में इस तरीके से एक स्टिच बना दूँगी ये हमारे जो है एक के दो फंदे हो गए इसे इस तरीके से निकाल दूंगी मैं इस रो में हमने फंदे बढ़ाए हैं अपना एक इस साइड से और एक साइड से इस रो को अब मैं काउंट नहीं करूंगी अब मैं बैक साइड से जो रॉन्ग सिलाई है मेरी जो मैंने उल्टी बनानी है इसे मैं जो है फर्स्ट रो मान के चलूंगी जिसमें आप बढ़ाएंगे उस रो को आप काउंट नहीं कीजिएगा उसकी अगली वाली रो से आपने अपनी रो काउंट करना स्टार्ट कर देनी है अब ये मेरी जो है फर्स्ट रो आएगी तो इसे मैं उल्टा उल्टा बना दूँगी ये रॉन्ग साइड है तो मैंने सारा उल्टा उल्टा बना देना है देखिए मैंने इसे सारा उल्टा उल्टा बना दिया है ये मेरी रो फर्स्ट है आप इसे जो है एक सिलाई भी कह सकते हैं या रो फर्स्ट भी कह सकते हैं रॉन्ग साइड से मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है इसका अब मैं राइट साइड में जाऊंगी ये मेरी सेकंड सिलाई होगी या आप इसे रो सेकंड भी कह सकते हैं ये सेकंड सिलाई में मैं कोई भी फंदा इसमें जो है बढ़ाऊंगी नहीं और अपनी सिलाई जो है सीधी सीधी दे के कम्प्लीट कर दूँगी देखिए दूसरी सिलाई मैंने इसकी सीधी सीधी दे कंप्लीट कर दी है कोई भी फंदा जो है इसमें बढ़ाया नहीं है अब मैं इसकी तीसरी सिलाई करूँगी वो रॉन्ग साइड से आएगी मेरी जिसमें मैंने जो है सारे फंदे अपने उल्टे उल्टे बना देने हैं कोई भी फंदा इसमें भी बढ़ाना नहीं है तीसरी सिलाई भी मेरी उल्टी उल्टी दे कंप्लीट हो गई है अब मैं अपनी फोर्थ सिलाई में आऊँगी इस सिलाई में क्या करना है आपने अब दोबारा से अपने फंदे आपने इंक्रीज कर देना है जो फर्स्ट रो थी जिसमें हमने अपने यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर के बाद बनाई थी उसमें एक फंदा यहाँ से बढ़ाया था और एक यहाँ से बढ़ाया था उस रो को मैंने काउंट नहीं किया रॉन्ग साइड से मैं काउंट करती गई एक सिलाई मैंने रॉन्ग से दी वो फर्स्ट हो गई राइट से दी सेकंड हो गई रॉन्ग से दी थर्ड अब मैं अपनी फोर्थ स्लाई में हूँ जो मेरी राइट पर है इसमें मैं क्या करूँगी दोबारा से सेम वैसे ही ये देखिएगा आप एक फंदा ये देखिए एंड वाले फंदे में से एक बारी इस तरीके से निकाला फिर बैक से ऐसे ऐसे करके निकाला और इस फंदे को गिरा दिया ये मेरा एक और फंदा इंक्रीज हो गया अब मैं एंड तक जब तक मेरे पास एक फंदा रह जाएगा तब तक सेंटर के सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर दूंगी एंड में ये हमारे पास एक फंदा रह गया है इस तरीके से देखिएगा आप पहले हमें इस तरीके से एक फंदा बनाना है इसको गिराना नहीं है फिर बैग से इस तरीके से दूसरा फंदा बना के इसे गिरा देंगे ये दोबारा से हमारा एक फंदा यहाँ से बढ़ गया और एक यहाँ से बढ़ गया इसी तरीके से हम अपने बाजू को बनाते जाएंगे देखिएगा आप ये हमारी फोर्थ सिलाई थी अब बैग से दोबारा से हमने काउंट करना है हमारी जो है सिलाई रॉन्ग से हम काउंट करेंगे यहाँ से हमारी जो होगी फर्स्ट सिलाई होगी फिर सेकंड फिर थर्ड फिर जब हम फोर्थ सिलाई में आएंगे वो हमारी राइट साइड पे होगी फिर दोबारा से हम ऐसे ही अपना एक एक फंदा साइड पे बढ़ाते जाएंगे हमारे पास बॉर्डर में टोटल थर्टी एट स्टिचेज़ थे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास सेवेंटी एट स्टिचज़ ना आ जाएँ तब तक हम इसी तरीके से अपनी फोर्थ सिलाई में जो हमारी राइट साइड पे होगी एक फंदा इस साइड से और इस साइड से बढ़ाते जाएंगे और इसे प्लेन जो है बनाते जाएंगे सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा अब इसी तरीके से मैं जो है इस बाजू को बना जाऊंगी जब तक मेरे पास सेवेंटी एट स्टिचेस हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूंगी आगे मैं आपको दिखाती हूं फिर ये देखिए आप हमारे बाजू का पार्ट जो है इतना बन के तैयार हो गया है जिसमें हमने अपने बॉर्डर के जो है फंदे स्टार्टिंग में थर्टी एट उठाए थे उसके बाद टू इंच का हमने बॉर्डर बनाया फिर हम यहाँ से फंदे इसके बढ़ाना स्टार्ट हो गए हर फोर्थ राइट स्लाई पे हमने एक एक फंदा बढ़ाया अब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा मैं आपको काउंट करके बताती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 four five six seven eight nine sixty one two three four five six seven eight nine seventy seventy one two seventy three seventy four seventy five seventy six seventy seven seventy eight. टोटल हमारे पास यहाँ पे अब 78 स्टिचेस आ गए हैं अब मैंने इसमें कोई भी फंदा जो है बढ़ाना नहीं है बट हमारे जो बाज़ू का पार्ट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मैं आपको बताती हूँ इसकी लेंथ जो है हमारे इंचिस में कितनी हुई है ये देखेंगे आप इस तरीके से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है थर्टीन इंचिस तक की लेंथ हो गई है हमने इसे सिक्सटीन इंचिस तक बनाना है अभी मैं थ्री इंचिस और इसके बनाऊँगी बनाऊँगी कैसे वही मैंने इसमें कोई भी पैटर्न नहीं डाला सीधा सीधा ही बनाना है सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बट फंदे अब आप इसमें नहीं बढ़ाएंगे बस सेवेंटी एट ही सिटीज़ रहने देंगे अब मैं इसे थ्री इंचेस तक और बना दूंगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने इसे कैसे आगे कंप्लीट करना है है पाँच छः साल के बच्चे का बाजू जो है यहाँ तक बना के तैयार कर दिया है मैं आपको लेंथ बताती हूँ इंचेस में इसकी हमारी जो है टोटल कितनी लेंथ हो गई है ये देखेंगे आप ये जो है टोटल हमने 16 इंचेस जो है बना के तैयार कर दिया है जिसमें दो इंच का हमारा बॉर्डर है और 14 इंच हमने ये बनाया है 38 स्टिचेस उठाए थे उन्हें बढ़ाते गए 78 स्टिचेस पे आ गए फिर हम इसे बनाते गए टोटल इसकी लेंथ हमने जो है सिक्सटीन इंचज़ की बना के तैयार कर दी है अब क्या करना है आपने यहाँ पे इसको जो है शेप दे देनी है जो आपकी आम होल की शेप होती है वो दे देनी है वो कैसे देंगे पहले तो आप अपनी जैसे आपने आम होल की कटिंग की होती है हम यहाँ पे जो है पाँच छः छः साल के बच्चे के लिए ये जो स्लीव्स बना रहे हैं तो हम इसमें जो है चार तीन दो एक करके पहले कटिंग करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ देखिएगा आप पहले मैं यहाँ पे राइट साइड में हूँ तो मैंने क्या करना है पहले मैंने चार फंदे इसके बंद कर देने हैं दो का एक करके ये एक हो गया दो तीन और ये चार अब मैंने ये सारी सिलाई अपनी सीधी सीधी कर देनी है इसमें मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रही तो मैं ये सारी सिलाई अपनी सीधी सीधी बना के कम्प्लीट कर दूँगी ये राइट सिलाई तो मैंने इसकी सीधी सीधी कर ली अब रॉन्ग सिलाई में आई हूँ तो इस साइड से भी अब हमने जो है चार फंदे घटाने हैं वैसे ही घटाने का प्रोसेस रहेगा दो का एक कर देंगे ये देखेंगे आप एक दो तीन और ये चार अब मैंने चार फंदे घटा दिए यहाँ पे। अब ये सिलाई सारी मैं उल्टी उल्टी बना के यहाँ तक कंप्लीट कर दूंगी ये रॉन्ग सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है राइट सिलाई में दोबारा आई हूँ यहाँ पे पहले मैंने चार फंदे घटाए थे अब मैंने क्या करना है यहाँ पे ये देखिएगा आप एक दो और ये तीन फंदे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए अब मैं ये रो सारी अपनी जो है सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर दूँगी ये हमारी राइट सिलाई की सीधी सीधी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई हमने इस साइड तीन फंदे जो है बंद कर दिए अब हम इस साइड भी सेम इसी तरीके से दो का एक करके तीन फंदे कम कर देंगे एक दो और ये तीन और ये सिलाई पूरी मैं उल्टी बना के कंप्लीट कर दूंगी राइट सिलाई में दोबारा आए हैं पहले फोर यहाँ पे बंद किए स्टिचेस फिर थ्री अब हम यहाँ पे जो है टू स्टिचेस क्लोज कर देंगे इस तरीके से वन और टू और ये रो सारी सीधी सीधी बना के कम्प्लीट कर देंगे सिलाई में दोबारा से आए हैं फोर स्टिचेस क्लोज किए थ्री किए यहाँ पे अब हम टू स्टिचेस क्लोज़ कर देंगे और इसके बाद ये सारी सिलाई मैं उल्टी उल्टी देख के कर दूँगी हम यहाँ पे राइट सिलाई में आए हैं तो यहाँ पे अब हम लास्ट अपना जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी वन स्टिच क्लोज कर देंगे हमने इसकी कटिंग जो है फोर थ्री टू वन करके की अब ये रो सारी मैं सीधी बना के कम्प्लीट कर दूंगी यहाँ पे यहाँ पे भी रॉन्ग साइड से मैं अपना एक स्टिच जो है यहाँ पे कम कर दूंगी दो का एक करके यहाँ पे मेरे आर्म होल की कटिंग जो है इक्वल हो गई इस साइड से भी और इस साइड से भी अब क्या करना है मैंने ये आर्म होल की कटिंग फिनिश कर दी मैंने अब देखिएगा आप अब क्या करना है अब हमने दो फंदे इस साइड से घटा देने हैं राइट सिलाई में और रॉन्ग सिलाई में इस साइड से दो फंदे घटा देने हैं हर सिलाई में हम ऐसा ही करते जाएंगे राइट सिलाई में दो फंदे यहाँ से दो का एक दो का एक करके घटा देंगे और रॉन्ग सिलाई में यहाँ से दो का एक दो का एक करके गटा देंगे जब तक हमारे पास एंड में छः फंदे ना रह जाएं, तब तक हम इसकी कटिंग इसी तरीके से करते जाएंगे अब मैं ये रॉन्ग सिलाई जो है पूरी उल्टी दे कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद दो फंदे अपने राइट साइड में यहाँ से घटा दूंगी और दो फंदे रॉन्ग साइड में यहाँ से घटा दूंगी यही प्रोसेस दो दो फंदे का रिपीट करते जाऊंगी जब तक मेरे पास छः फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड से मैंने जो है अपने दो दो फंदे कम कर दिए राइट साइड से और यहाँ से मैंने रॉन्ग साइड से दो दो फंदे कम कर दिए अब मेरे पास यहाँ पे टोटल देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स स्टिचेस रह गए हैं अब इन सिक्स स्टिचेस को मैंने क्या करना है दो का एक करके इन सारे स्टिचेस को जो है मैं क्लोज़ कर दूंगी ये देखिए हमने इन सारे स्टिचेस को जो है दो का एक करके यहाँ पे बंद कर दिया है ये देखिए कुछ इस तरीके की शेप आई है इसकी ये देखिए एक साइड से ऐसे है और इस साइड से भी कुछ ऐसी शेप जो है बन के तैयार हुई है ये जो हमारे आर्म होल की और शोल्डर की लेंथ होगी उसमें हम इस बाज़ू को इस तरीके से जो है स्टिच कर देंगे देखेंगे आप इसकी बहुत ही अच्छी जो है शेप बन के तैयार होती है हमारा जो बाजू है हमने बनाया हुआ है पाँच से छः साल के बच्चे के लिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया है देखिए हमारा जो बाजू है जो हमने पाँच से छः साल के लिए बच्चे के लिए बनाया हुआ है बन के बिल्कुल तैयार हो गया है आप देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा ये देखिए मैं आपको इसकी मेज़रमेंट भी एक बार करके बता देती हूँ यहाँ से ले लीजिए आप और यहाँ तक टोटल ये ट्वेंटी इंच का बनके तैयार हो गया है बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझाया हुआ है आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपना ये जो है बाजू का पार्ट बनाएंगे इसी तरीके से आपने अपना सेकंड बाजू का पार्ट भी बना देना है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू